नमस्कार, कैपिटल एंड गेंस में मैं सुशील देवल आपका स्वागत करता हूं। मार्केट में लास्ट वन एंड हाफ ईयर्स में जो कंसोलिडेशन का दौर स्टार्ट हुआ है, इसने कई सारी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज को रीजनेबल वैल्यूएशंस पर ला दिया है। ऐसी कंपनीज में शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के पर्सपेक्टिव में अपॉर्चुनिटी डेवलप हुई है। हमने अपनी सीरीज में लास्ट वन एंड हाफ मंथ्स में काफी सारी कंपनीज को एनालाइज किया है एंड उनमें से काफी सारी कंपनीज 15% के ज्यादा के रिटर्न भी दे चुकी हैं लास्ट वन मंथ में। ऐसी ही एक और कंपनी का आज हम एनालिसिस करेंगे एंड उसमें लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बेसिस पर डेवलप हुई अपॉर्चुनिटी को साथ मिलकर स्टडी करेंगे। कंपनी का नाम है बजाज फिनसर्व। फ्रेंड्स, इस तरह के वीडियो को अब तक लाने में काफी मेहनत लगती है। अप्रिशिएट करने के लिए आप वीडियो को लाइक कर दें एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूं, इसलिए वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है। इन्वेस्ट करने से पहले खुद का एनालिसिस जरूर करें। फ्रेंड्स, बहुत सारे इन्वेस्टर्स का मानना है कि जियो फाइनेंशियल्स के लिस्ट होने से बजाज ग्रुप के बिजनेस पर रिस्क है, तो मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी बड़े प्लेयर की एंट्री उस इंडस्ट्री के टॉप प्लेयर के बिजनेस को कोई खास इंपैक्ट नहीं कर पाती। जियो के टेलीकॉम सर्विसेज के लॉन्च के बाद भी उस सेक्टर का बड़ा प्लेयर दैट इज एयरटेल, वो आज भी अच्छे से अपने ऑपरेशंस कर रहा है एंड अपनी सेल्स एंड नेट प्रॉफिट्स को भी जियो के लॉन्च के बाद भी अच्छे से ग्रो कर पा रहा है। लेकिन असर किस पर पड़ा था? वोडाफोन आइडिया पर। सिमिलरली, जियो फाइनेंशियल्स की लिस्टिंग बजाज ग्रुप पर कोई खास असर नहीं कर पाएगी, कुछ छोटी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज को जरूर इंपैक्ट होगा। जियो फाइनेंशियल्स के लिस्टिंग के डर से हम बजाज फिनसर्व के जबरदस्त बिजनेस एंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशन को इग्नोर नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, निफ्टी का पीई जो 2015 के बाद कभी 20 से नीचे नहीं आया है, अगर कोविड वाला पीरियड छोड़ दें, वो अभी है 21.6। निफ्टी का पीई 20 पर आते ही स्टॉक मार्केट में बाइंग आना स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर निफ्टी का पीई 28 से ऊपर जाता है तो हमें अपनी कंपनीज को रिकंसिडर करने की जरूरत भी होती है, खासकर वो जो हाई पीई पर ट्रेड कर रही हो, क्योंकि अगर निफ्टी वहां से करेक्शन लेता है तो सबसे पहले वही कंपनीज गिरेंगी जो हाई पीई पर ट्रेड कर रही होंगी। जैसा कि हमने अपने पुराने वीडियोस में कई बार बताया है कि एफआईआईएस एंड डीआईएस दोनों ने मिलकर मार्च 23 में हाईएस्ट एवर नेट बाइंग की है एंड वो है 32,500 करोड़ की। एंड सितंबर 21 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि एफआईआईएस एंड डीआईएस दोनों ही नेट बायर रहे हो। लेकिन अगर लास्ट मंथ का डाटा देखें, यहां भी एफआईआईएस एंड डीआईएस दोनों ही नेट बायर रहे हैं एंड दोनों ने मिलकर अप्रॉक्सिमेट 2800 करोड़ का माल उठाया है अप्रैल 23 में। जब एफआईआईएस एंड डीआईएस दोनों ही मिलकर बॉटम से बाइंग कर रहे हैं तो ऐसे टाइम पर काफी सारे रिटेल इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट क्रैश से रिलेटेड न्यूज एंड कंटेंट देखने में बिजी हैं। फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में जीतने के लिए हमें भी बड़े इंस्टीट्यूशंस एंड एचएनआईज की तरह सोचने की जरूरत है। अब आ जाते हैं आज के एनालिसिस पर। कंपनी के बिजनेस एनालिसिस पर हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि कंपनी के ज्यादातर बिजनेस को आप ऑलरेडी जानते हैं एंड इसमें से भी बजाज फाइनेंस पर हमने ऑलरेडी काफी डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। बजाज फिनसर्व की बात करें तो ये होल्डिंग कंपनी है बजाज ग्रुप के मल्टीपल बिजनेसेस की जो फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसमें बजाज फाइनेंस लिमिटेड, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड, बजाज अलायंस लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, बजाज फिनसर्व डायरेक्ट लिमिटेड, बजाज फिनसर्व हेल्थ लिमिटेड एंड उसके बाद बजाज फाइनेंस की ही दो अलग से सब्सिडरी भी आती है। बजाज फिनसर्व अपनी कंपनीज के लिए ऐसा फ्रेमवर्क एंड गाइडलाइंस तैयार करती है जिससे वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रॉफिट्स को अचीव कर सके, मीनिंगफुल मार्केट शेयर गेन कर सके एंड अपनी कैपिटल को इफेक्टिवली यूज कर सके। अब हम उन रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि क्यों कंपनी को लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म दोनों के लिए कंसीडर किया जा सकता है। सबसे पहले हम लॉन्ग टर्म कंसीडरेशन वाले रीजंस को स्टडी करते हैं एंड इन रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए हम कंपनी के रीसेंट क्वार्टरली एंड एनुअल रिजल्ट्स को स्टडी करेंगे। कंपनी कुछ नए बिजनेस वर्टिकल्स में एंटर कर रही है, उनको भी स्टडी करेंगे एंड इसके साथ कंपनी की वैल्यूएशन को भी स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, ये ऐसी कंपनी है जो 2,16,000 की मार्केट कैप होने के बावजूद भी 20-20% के सीएजीआर से अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है एंड नेट प्रॉफिट्स को भी 20% के एवरेज पर बढ़ा रही है। अप्रॉक्सिमेट 35% की करेक्शन होने के बावजूद भी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को लास्ट के 10 ईयर्स में 33% के सीएजीआर से रिटर्न बनाकर दिए हैं। क्वार्टरली रिजल्ट्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी के टोटल रेवेन्यू में 25% की ग्रोथ हुई है। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 31% की ग्रोथ हुई है। नेट वर्थ भी कंपनी की 15% बढ़ चुकी है जो कि एक्सीलेंट है। एनुअल रिजल्ट्स की बात करें तो कंपनी की रेवेन्यू में 20% की ग्रोथ देखने को मिली है जो कि एक्सीलेंट है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किए थे 68,406 करोड़ के एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किए हैं 82,071 करोड़ के। वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो इसमें भी 41% की ग्रोथ देखने को मिली है जो कि एक्सीलेंट है। फाइनेंशियल ईयर 22 में कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स थे 4,557 करोड़ एंड लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हो गए हैं 6,417 करोड़। वही कंपनी की नेटवर्थ जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस की ही है, इसमें भी 15% की ग्रोथ देखने को मिली है जो कि अमेजिंग है। अगर आपको इंडिपेंडेंट बिजनेस की परफॉर्मेंस को स्टडी करना है तो वीडियो को पास करके आप स्टडी कर सकते हैं।
फ्रेंड्स, अगर हम HDFC ग्रुप, एक्सिस ग्रुप एंड ICICI ग्रुप को देखें, सबकी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है। मींस ये आपको म्यूचुअल फंड एंड डीमैट अकाउंट जैसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें इंडियंस का एक्सपोजर बहुत कम है। अगर चाइना की बात करें तो टोटल 13% के अराउंड लोग डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। UK में 33% के अराउंड लोग इन्वेस्ट करते हैं एंड USA में 55% लोग डायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर वही इंडिया की बात करें तो सिर्फ 3% इंडियंस ही एक्टिवली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए कंपनी ने एक फुली ओन सब्सिडरी भी सेटअप कर रखी है। इसका नाम है बजाज फिनसर्व सिक्योरिटीज असेट मैनेजमेंट कंपनी। एंड इसी क्वार्टर में, दैट इज Q4 फाइनेंशियल 23 में, इसे सेबी का अप्रूवल भी मिल गया है अपने ऑपरेशंस को कमेंस करने के लिए। एंड इसके साथ एक और सब्सिडरी सेटअप की हुई है, बजाज फाइनेंशियल सिक्योरिटीज वेंचर्स। एंड दोनों ही अपने बिजनेस को सेटअप करने के प्रोसेस में है। अब बजाज ग्रुप म्यूचुअल फंड्स, डीमैट अकाउंट्स एंड अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट्स के सारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करेगी। एंड ये वन ऑफ द माइलस्टोन स्टेप है जो बजाज फिनसर्व को अगले कई सालों तक 20% के ज्यादा के CAGR से ग्रो करने में हेल्प करेगा। एंड इससे बजाज फिनसर्व के शेयर होल्डर्स को भी अगले कई सालों तक 20% के CAGR से रिटर्न्स भी मिल सकते हैं। अभी तक वो सारे ट्रिगर्स कंपनी में देखने को मिले हैं जो किसी कंपनी में लॉन्ग टर्म में बने रहने के लिए चाहिए होते हैं, जैसे कि सॉलिड बिजनेस, स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल जिसमें हमें कंपनी के रिजल्ट्स भी चेक कर लिए हैं, बेटर फ्यूचर प्लान्स। एक और रेशियो जिसे हमें चेक करने की जरूरत होती है किसी भी कंपनी में एंटर करने के लिए, वो है PE रेशियो। बजाज फिनसर्व के PE रेशियो की बात करें तो कोविड क्रैश को छोड़ दें तो अप्रैल 2017 के बाद कंपनी 30 के PE के नीचे गई ही नहीं एंड प्रेजेंट PE है 33.7। एंड हमें भी लगता है कि कंपनी का PE अब ज्यादा नीचे नहीं जाएगा। ऐसी अपॉर्चुनिटीज डेली अवेलेबल नहीं होती, इसलिए ऐसे टाइम पे इस तरह की कंपनीज को सीरियसली स्टडी करने की जरूरत होती है। अब आ जाते हैं टारगेट्स पर जो कंपनी नेक्स्ट 1 से 1.5 साल में अचीव कर सकती है, लेकिन उससे पहले हमें इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का पता होना चाहिए। कंपनी 1900 का हाई लगाने के बाद प्रेजेंटली 1360 के अराउंड ट्रेड कर रही है। अगर यहां से गिरावट होती है तो फर्स्ट सपोर्ट कंपनी का 1230 के अराउंड है। इसके बाद अगर और गिरावट होती है तो नेक्स्ट सपोर्ट 1080 के अराउंड है। उसके बाद अगर और भी गिरावट होती है तो सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कंपनी का 920 के अराउंड है। एंड हमें नहीं लगता है कि कंपनी इस सपोर्ट को ब्रेक कर पाएगी। डे चार्ट पर 200 DMA लगाकर देखें तो लास्ट के 10 सालों में कंपनी अपने 200 DMA को सिर्फ टच करती है, फिर ऊपर निकल जाती है। कोविड क्रैश को इग्नोर करें तो कंपनी नवंबर 2018 में 200 DMA के थोड़ा नीचे आई थी, लेकिन जितना लास्ट के 1 ईयर में नीचे आई है वो लास्ट के 10 सालों में कभी नहीं आई। एंड फ्रेंड्स, ये वन ऑफ द एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी होती है। फ्रेंड्स, लास्ट के 10 सालों में कंपनी जनरली कितना करेक्ट होती है एंड उसके बाद कितना रिटर्न देती है, एक बार वो डाटा देख लेते हैं। अगेन, अगर कोविड क्रैश को छोड़ दें तो लास्ट के 10 सालों में कंपनी में जो जनरली गिरावट देखने को मिली है वो 20% के अराउंड है। यहां आप देख सकते हैं 19.87% की करेक्शन हुई है। उसके बाद दिसंबर 2017 में 16.80% की करेक्शन हुई है। उसके बाद अगस्त 2019 में 20% के अराउंड करेक्शन हुई है। सिर्फ अक्टूबर 2018 में ही 30% के अराउंड करेक्शन हुई है। 20% के अराउंड वाली करेक्शन के डाटा को मैंने इग्नोर किया है। ये जो अक्टूबर 2018 में करेक्शन हुई थी उसके बाद कंपनी ने अपने बॉटम से अप्रॉक्सिमेट 100% के रिटर्न्स दिए। रिटर्न्स और भी ज्यादा हो सकते थे लेकिन उसके बाद कोविड क्रैश आ गया। फ्रेंड्स, कंपनी के रेवेन्यू हाईएस्ट एवर हैं, नेट प्रॉफिट्स भी हाईएस्ट एवर है एंड इसके साथ कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स एंड एनुअल रिजल्ट्स भी बेस्ट आए हैं। तो फर्स्ट टारगेट भी कंपनी का यहां से हाईएस्ट एवर स्टॉक प्राइस जो है वो निकल कर आता है। तो 36% हमारा फर्स्ट टारगेट निकल कर आया है। फ्रेंड, चार्ट पैटर्न की बात करें तो कंपनी ने यहां पर एक सुंदर सा रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है। एक बार ये हो गया उसका लेफ्ट शोल्डर, ये हो गया हेड एंड ये हो गया राइट शोल्डर, लेकिन मार्केट में वीकनेस के चलते ये सस्टेन नहीं हो पाया। यहां पर एक और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन सकता है, वो ऐसे, ये हो गया लेफ्ट शोल्डर, यहां इसका ऐसे हेड बन सकता है और उसके बाद एक और शोल्डर बनाकर स्टॉक प्राइस ऊपर निकल सकता है। स्टॉक प्राइस निकालने के लिए पहले हमें इस डेप्थ को मेजर करना है एंड उसके बाद इसको उठाकर हमें ब्रेकआउट लेवल पर रख देना है। टारगेट निकालने के लिए हम इसको प्रेजेंट प्राइस से मेजर कर लेंगे एंड हमारा जो दूसरा टारगेट निकल कर आता है वह 72.45, मींस अप्रॉक्सीमेट 72%। जो थर्ड टारगेट हम निकालेंगे वो निकालेंगे कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से। उसके लिए हम फॉरवर्ड PE एंड फ्यूचर EPS को कैलकुलेट करेंगे एंड दोनों को मल्टीप्लाई करके टारगेट निकालेंगे। फ्रेंड्स, PE रेशियो का फॉर्मूला होता है स्टॉक प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। तो अगर हमें स्टॉक प्राइस निकालना हो तो हम क्या करेंगे, प्राइस टू अर्निंग को मल्टीप्लाइड करेंगे अर्निंग पर शेयर के साथ। नेक्स्ट 1 ईयर का टारगेट निकालने के लिए, दैट इज मार्च 24 का टारगेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, PE रेशियो लेंगे मार्च 24 की एंड अर्निंग पर शेयर निकालेंगे मार्च 24 का एंड इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे हमारे पास मार्च 24 का टारगेट प्राइस निकल कर आएगा।
फ्रेंड्स, मार्च 24 का ईपीएस निकालने के लिए हम कंपनी के पीई चार्ट पर आ गए हैं। अगर प्रेजेंट पीई देखें तो 1 ईयर के मीडियन पीई से नीचे ट्रेड हो रहा है। 3 ईयर बेसिस पर देखें तो कंपनी मीडियन पीई से नीचे ट्रेड हो रही है। 5 ईयर के बेसिस पर देखें तो भी कंपनी अपने मीडियन पीई से नीचे ट्रेड हो रही है। एंड 10 ईयर्स पर कंपनी अपने मीडियन पीई के बिल्कुल पास ट्रेड हो रही है। मार्च 24 के ईपीएस के लिए हम मान लेते हैं कि कंपनी का जो लास्ट 3 ईयर्स का मीडियन पीई है वो मिल सकता है, वो है 42.8, लेकिन हम लेंगे सिर्फ 42। मार्च 24 का अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए सबसे पहले हमें कंपनी की ग्रोथ को देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो लास्ट 3 ईयर्स में कंपनी 24% के सीजीआर से अपने प्रॉफिट्स बढ़ा रही है एंड ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपनी ने 41% अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाया है। हम अज्यूम करते हैं कि नेक्स्ट 1 ईयर में कंपनी अपने प्रॉफिट्स को 20% तक बढ़ा पाएगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जो मार्च 23 का ईपीएस है 40.29, इसमें 20% ऐड कर देंगे। अभी हम इसको ईपीएस को मैंने यहां पर टाइप कर दिया है, इसमें हम ऐड करेंगे 20% एंड वो निकल कर आता है 48.3। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं जो हमने प्राइस टू अर्निंग लिया हुआ है। हमने प्राइस टू अर्निंग लिया हुआ है 42। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो टारगेट निकल के आता है 2030। फ्रेंड्स, चार्ट पर मार्क करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि हमारी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर दें एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आई रिक्वेस्ट के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। वीडियो से आपको लर्निंग लेनी है एंड इन्वेस्ट करने से पहले आपको खुद का एनालिसिस भी जरूर करना है। तो फर्स्ट टारगेट जो हमने ऑल टाइम हाई स्टॉक प्राइस का लिया था, दैट इज 36%, इसे कंपनी को मार्केट की तेजी के साथ ही अचीव कर लेना चाहिए। दूसरा टारगेट जो फ्यूचर ईपीएस एंड फॉरवर्ड पीई के बेसिस पर निकाला था, जो कि हमने मार्च 24 के लिए निकाला था, वो निकल कर आता है 45%। ये काफी रियलिस्टिक टारगेट है जो अगले 1 ईयर में अचीव होना चाहिए अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन। एंड थर्ड टारगेट जो चार्ट पैटर्न के बेसिस पर निकल कर आया था वो है 72% एंड इसे अचीव होने में कंपनी को 1.5 ईयर या उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय लग सकता है एंड वो भी अंडर नॉर्मल मार्केट कंडीशन में ही अचीव होगा। तो कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।